गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल अभीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें जो मैंने पिछले कुछ दिनों में बाय की हैं, जिनको मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। तो मैं आज आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड बहुत मिक्स एंड मैच वाला हॉल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सारी चीज़ें एक ही जगह से हैं, सब मैंने कहीं कहीं से बस उठाई हैं। एंड बस मैंने ये चीज़ें अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने पैसों से ली है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेकोर से। तो डेकोर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ये ब्यूटिफुल सी टेबल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है, मुझे ऑलमोस्ट ये 3700 की मिली है, 3800 की आई गेस मिली है। और बहुत ही सुंदर टेबल है ये, डबल शेड में है, गोल्डन और व्हाइट में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके ऊपर जो ऐसा मार्बल जैसा काम दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत टेबल है। स्पेशली मुझे मेरे स्टूडियो के लिए काफी कुछ डिफरेंट सा चाहिए था, सो मैंने सोचा क्यों ना इतनी सुंदर टेबल है इसको जरूर ले लेते हैं। मैंने जब अमेज़न पे देखा तो आई एम लाइक कि प्राइस थोड़ा ज्यादा है, तो अभी क्या करते हैं कि थोड़ा इंतजार करते हैं कि इसका प्राइस कम होगा। तो मैंने इसको विशलिस्ट में रखा, बट इसका प्राइस कम ही नहीं हुआ। लगभग चार महीने तक इसका प्राइस कम नहीं हुआ। देन फाइनली मुझे लगा कि नहीं यार, प्राइस इस कम नहीं होगा, बहुत होगी कंजूसी, अभी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही खूबसूरत सी है, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। इस पैटर्न में और भी थी लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर यही लग रही है, सबसे ज्यादा सुंदर यही लग रही है। सो आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा। मेरे स्टूडियो में ना इसने एक नई जान सी डाल दी, बिकॉज मेरे स्टूडियो में ना आपको पता है कि अभी बस शुरुआत की है मैंने चीजों को सजाने की, एंड हो ही नहीं पाता है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं ऑफ कैमरा जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मेरी सेटिंग नहीं बैठ पाती है, या मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है सोचने का, या मैं जा नहीं पाती हूँ, कुछ आ नहीं पाता है। तो इस वजह से मेरा स्टूडियो बहुत अधूरा सा है बहुत समय से। बट अभी मैंने सोच लिया है कि एक एक करके चीज़ें मैं भले ही एक एक करके इकट्ठा करूँ, बट मैं इकट्ठा जरूर करूँगी। सो ये पहली चीज़ है जो कि मैंने अपने स्टूडियो के लिए है, एंड वो है ये सुंदर सी टेबल, जिसने बहुत सुंदर सा लुक मेरे पूरे स्टूडियो में डाल दिया है। बहुत सारे वीडियोज में आपने देखा भी होगा इसको मेरे अगल बगल रखे, सो आई थॉट क्यों ना आपके साथ इसकी डिटेल शेयर कर दी जाए, सो दैट अगर आपको जरूरत है या फिर आपने नया घर लिया है या फिर कुछ आप सेटअप वगैरह कर रहे हो तो आप भी इसे परचेज कर सकते हो। थोड़ी महंगी है, बट ट्रस्ट मी बहुत स्टडी है, बहुत हार्ड है, एंड मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे क्वालिटी की है। लेट मी जस्ट शो यू, एंड काफी अच्छा वेट भी है इसका, काफी वजन भी है, तो मैंने ये चीज मंगाई है, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड प्रोडक्ट जो कि मंगाए हैं मैंने, ये सुंदर से बुद्धा जी, एंड ये बहुत सुंदर से लग रहे हैं। ये मैंने स्पेशली इसी टेबल के लिए मंगाए हैं, बिकॉज ये टेबल को काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड मुझे वैसे भी लगा कि मेरे स्टूडियो में ना थोड़ा सा एक अच्छी सी वाइब आनी चाहिए, तो मैंने इसलिए मंगाए हैं। और ये बहुत सुंदर से लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे से हैं, आप देख सकते हो बहुत सुंदर से। सो मैंने ये मंगाए हैं। इसका जो प्राइस है, प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत सुंदर से है, यहाँ पर स्टोन लगा हुआ है, एंड ये एकदम सॉफ्ट से है, बड़े अच्छे अच्छे से लग रहे हैं। सो ये मैंने अपनी टेबल के लिए अगेन मंगाया है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा मूविंग ऑन टू द थर्ड आइटम, काफी जल्दी दिखा रही हूँ, काफी लंबा हॉल नहीं करना चाह रही मैं। मैंने अपने स्टूडियो के लिए ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोर पे देखा था, ऐसी प्लेटें मिल रही थी, तो मुझे ना ये बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी, क्योंकि मेरे जो टेबल है ना वो व्हाइट है, एंड मुझे व्हाइट एस्थेटिक बहुत पसंद है, व्हाइट बेज मुझे ना ये सब बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने ये मंगवाया, मैंने उनको ऑर्डर प्लेस किया, तो उन्होंने ये मेरे लिए बनाया है। ये पहले बना हुआ नहीं रखते वो, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो आपके लिए बनाते हैं, एंड ये बहुत सुंदर सी लग रही है। ये प्लेट्स होती हैं, इनको कौन सी प्लेट कहते हैं मैं नाम भूल रही हूँ, बट ये बहुत सुंदर सी, इसमें रोज पेटल अंदर फ्रीज करके बनाई गई है, एंड इसका मोल्ड ऐसे होता है, कुछ इस तरीके से लग रही है। ओवरऑल बहुत सुंदर सी लग रही है, मेरे टेबल पर रखी ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं ये। सो आप लोग इनको भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं, एंड डिफरेंट कलर में भी बनवा सकते हो, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड में, मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट आई गेस मोल्ड होते हैं। उनके पास की चैन वगैरह भी था और भी चीजें थी, बट मुझे यही चाहिए था, फोटो फ्रेम वगैरह नहीं चाहिए था, मुझे यही चाहिए था, तो मैंने इसको ऑर्डर किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम जो कि है ये, इसके लिए आपने बहुत पूछा है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेज आते हैं। सो ये वास जो है ये अलग है, वास का जो प्राइस है मैं मेंशन कर दूंगी, वास कहाँ से लिया है, अमेजोन से ही लिया ये भी, तो इसमें ना काफी शेप के थे, तो मैंने ये डोनट के शेप का लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैंने ना कुछ बाहर के यूट्यूबर्स को फॉलो किया है, एंड उनके ना बैकग्राउंड में ये दिखता है, कई बार उनके इंस्टाग्राम वाले वीडियो में भी दिखता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उन्हीं का देख के ऑर्डर किया है, मुझे बहुत सुंदर लगा। इसके बाद मैंने ये ऑर्डर किया था, ये ऐसे फ्लावर है, ये कागज के फ्लावर है,
ये बहुत सुंदर से लग रहे हैं पेपर फ्लावर, ये मैंने इसी में लगाने के लिए ऑर्डर किया। एंड ये जो ये दिख रहे हैं आपको, इनको मैं छूंगी नहीं, इनको छूते ही ना ये पूरे में फैल जाते हैं। आई मीन ये बहुत उड़ते हैं, बहुत झड़ते हैं, बट सुंदरता इतनी ज्यादा है, मतलब अगर आप व्हाइट वास के साथ इसको लगाते हो तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये झड़ते बहुत हैं, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा भी दूर दूर रखा है अपने, लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है। तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों चीजें आपको अलग अलग मिल जाएंगी। वास का प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ 300-400 तक ही था। एंड इसमें जो ये फेदर लगे हुए हैं ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्लासी लगते हैं। आई गेस ये ऑफलाइन मार्केट में काफी सस्ते मिल जाएंगे अगर आप बॉम्बे वगैरह में आप रह रहे हो, बट कानपुर में मैंने इसको देखा, मुझे कहीं कुछ खास मिला नहीं, सो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया अमेजोन से ही, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है। सो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड आइटम, जो कि है क्लोथिंग आइटम, जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाई है कुछ चीज़ें। तो मिंत्रा से मैंने ना कुछ स्वेटर मंगा लिए, क्योंकि ना काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे थे। सबसे पहले मंगाया है मैंने ये पर्पल स्वेटर, जो कि हाफ स्वेटर है, एंड ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी चौड़ा सा लग रहा है, बट इसको ना आप ब्लैक टर्टल नेक टॉप के साथ पहनोगे तो ये बहुत सुंदर सा लगेगा, एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं आपके लिए विंटर लुक बुक लाने वाली हूँ, उसमें ये जरूर आपको दिखाई देगा। एंड इसका जो प्राइस है वो मेंशन है 1300 रुपये, बट ये मुझे 400-500 रुपये तक, 500 रुपये 600 रुपये का मिला, 600 रुपये का। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर बहुत प्यारा है, लाइलैक कलर है, एंड सुंदर लग रहा है काफी, ऐसा मेरे पास कुछ था नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्वेटर, जो कि है मेरे पास ये स्वेटर, ये नेक्स्ट स्वेटर जो कि है मेरे पास ये ब्यूटीफुल सा कलर का स्वेटर, ये ना मैंने सस्ता सा मंगाया है घर में पहनने के लिए। घर में कई बार पहनने का मन करता है, अंदर पहनने के लिए कई बार आपको लेयरिंग करनी होती है तो अच्छा लगता है, या फिर आप ब्लैक जीन्स वगैरह के साथ ना ऐसे स्वेटर पहनोगे तो बड़े कूल वाइब देते हैं, अच्छा सा लगता है। ऊपर से आप हाफ जैकेट पहन लेते हो या फिर ऊपर से आप फुल जैकेट भी पहनते हो, तो अंदर ना आपको एक स्वेटर चाहिए होता है, स्वेटर सा जो वार्म करे थोड़ा सा आपको। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ही सस्ता सा मिल गया था 400-500 रुपए में स्वेटर, एंड बहुत अच्छा है, कलर बहुत प्यारा लगा मुझे। एंड सबसे अच्छी चीज है कि इसमें रोए नहीं निकलेंगे, तो जो रोए निकलते हैं ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसमें रोए नहीं निकलेंगे। द कलर इज ऑल्सो वेरी प्रिटी, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सुंदर सा स्वेटर है। इसके बाद मैंने ना इसी का सिमिलर कलर लिया है, सिमिलर पैटर्न लिया है डिफरेंट कलर में, जो कि है ये इसका, और उसमें कलर का डिफरेंस है। ये भी बहुत सुंदर सा है, आप देख सकते हो कलर बहुत प्रिटी सा लिया है मैंने, दोनों कलर बहुत ही सुंदर है अपने आप में, एंड दोनों में रोए नहीं निकलेंगे, दोनों रोड स्टार के स्वेटर हैं, दोनों में मेरा साइज जो है स्मॉल है, एंड दोनों बहुत अच्छे हैं, पहनने में आपको अच्छा महसूस होगा। थोड़ा सा बॉडी में चिपके चिपके से रहते हैं तो आपको थोड़ी सी वार्मनेस थोड़ी बनी रहती है बॉडी में, तो आप ऐसा कुछ ले सकते हो, बहुत सुंदर सा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं चीजें दिखा रही हूँ आप, जो कि है ये बैग, ये मैंने ऑर्डर किया है एक इंस्टाग्राम स्टोर से। मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर पे ये बैग देखा और मेरा दिल इस पे आ गया, इतना सुंदर सा लग रहा है ये, लुक एट दिस। मुझे ना ऐसा ईवेल आई वाला चाहिए था एक, कि बस नजर ना लगे यार, इतनी नजर लग गई है वीडियोस में कि मैं क्या बताऊं। सर मुझे ना ऐसा एक चाहिए था बैग, तो मैंने ये बैग ऑर्डर किया है, इसमें मैंने कस्टमाइज करके अपना नाम भी लिखवा लिया ताकि मेरा नजर बट्टू कोई चुरा ना ले या किसी के पास चला ना जाए। तो मुझे ये बहुत सुंदर सा लगा, इतना खूबसूरत है सामने से कि मैं क्या ही बताऊं। अंदर आप देखो, इसके अंदर जो ये वाला लॉक है ना ये बड़ा सुंदर लग रहा है, इस पे स्टोन लगे हुए हैं। मैंने इसको जैसे देखा ना मैंने इसको तुरंत ऑर्डर कर दिया, उनके पास बहुत सारे कलर ऑप्शन थे बट मुझे यही कलर चाहिए था, एंड दिस इज सो प्रिटी, बहुत सुंदर सा है, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर सा, ये एक इंस्टाग्राम स्टोर से मैंने कस्टमाइज करके स्पेशली बनवाया है अपने लिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, जो कि है हमारे पास सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ फटाफट। सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया है ये कैटाबिल का डेली एक्सफोलिएटिंग क्लींजर, ये मेरा खत्म हो गया था तो मैंने इसको नया मंगाया है। नाइका पे सेल चलती रहती है, अगर आप टाइम टू टाइम चेक करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी काफी अच्छे प्राइस पे, तो मैंने ये मंगाया है बिकॉज मैं ये फेस वॉश सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, यही यूज ही करती हूँ, या फिर अगर मुझे कभी प्रमोशन के लिए कोई फेस वॉश आ गया तो फिर मैं उसको यूज करने लगती हूँ, वरना मैं यही यूज करती हूँ, ये मुझे काफी अच्छा लगता है। ऑल स्किन टाइप होता है, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, विंटर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सो आप इसके लिए जा सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, जो कि मैंने मंगाया है ये नायका का लिप वार्डरोब जानवी कपूर का। मुझे ना ऐसे कॉम्बो वाली लिपस्टिक्स आजकल बड़ी पसंद आ रही हैं, मैं ऑर्डर भी कर देती हूँ, पता क्या था 3 में से ना एक ही मेरे काम की रहती है, बाकी तो मेरे काम की नहीं रहती। तो इसमें आपको 3 लिपस्टिक मिल रही है, पहली मिल रही है मैट टू लास्ट नायका की मिनी, दूसरी सो मैट नायका की, तीसरी अल्ट्रा मैट नायका की, मतलब सब मिनी है लेकिन बस अल्ट्रा है और फला 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 है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, इसमें आपको मिलती है नायका मैट टू लास्ट, इसमें जानवी कपूर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरीके से है, लेट मी जस्ट
शो यू, इसका जो कलर है ना वो काफी अलग सा है, काफी अलग सा कलर है, सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसे मतलब तीन शेड आपको मिल जाएंगे काफी डिफरेंट डिफरेंट, जो कि आपकी स्किन के साथ अच्छे लगेंगे, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे मेरा स्किन टोन जो है वो फेयर नहीं है, बट मैं फिर भी इन चीजों को ट्राई करती हूँ। दूसरा है मेरे पास जेन 11 करके है, ये नायका की जेन करके लिपस्टिक है। कितनी छोटू है भाई, मतलब हाय उल्टी थी। सो इसका कलर कुछ इस तरीके से है, काफी छुटकू सी है बट अच्छी लग रही है। मुझे ये कलर पसंद है, मुझे ऐसे कलर पसंद है। मतलब ज्यादातर क्या होता है, जिनका कलर फेयर होता है ना वही लोग ऐसे कलर वेयर करते हैं, बट मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ऐसे ही कलर पसंद आते हैं। इवन मुझे रेड वगैरह थोड़ा कम पसंद आता है, क्योंकि मैंने शादी के टाइम पे ना बहुत रेड लगा लिया तो मैं थक गई हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास 30M रीगल रूबी, जो कि नायका की है। ये 30M रीगल रूबी एंड नायका से मैं इस बीच काफी शॉपिंग करती हूँ, काफी मेकअप मैंने लिया है अच्छा अच्छा, तो मुझे पसंद है। ये अच्छी लग रही है, ये बहुत सुंदर लग रही है। इसको आप साड़ी वड़ी के साथ लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी। अगर आप ऐसा ना थोड़ा सा रेड मरून सा लुक चाहते हो तो आप इसको लगा सकते हो। तो मिनी लिपस्टिक्स हैं, काफी अच्छी बजट में मिल गई थी, ऑफर में थी, तो तीनों कॉम्बो वैसे भी आपको सस्ते मिल गई थी। तीनों मिनी लिपस्टिक्स हैं, लेकिन मैं सच बताऊं लिपस्टिक्स ना इतनी ज्यादा यूज होती नहीं है। अगर आप सोचो कि आप बहुत ज्यादा लिपस्टिक ले लो रख लो तो वो यूज नहीं होती, तो मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी लिपस्टिक ले लीजिए। इससे आपको ना ये आइडिया हो जाता है कि आपके फेस पे कलर कौन सा अच्छा लगता है, एंड आपको ना थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ यार छोटी ली, मान लो कलर नहीं भी अच्छा लगा तो पैसे वेस्ट नहीं हुए, ये वाली चीज है। नेक्स्ट है हमारे पास परफ्यूम भी, इस बार मैंने परफ्यूम ऑर्डर किया है। मुझे लग रहा है मेरे हॉल में पहली बार मैं परफ्यूम दिखा रही हूँ। सो हमारे पास है ब्लिसफुल, ये ब्लूमिंग ब्लिसफुल ब्लूमिंग जो कि है ये। इसका ना मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा रिव्यू देखा था, बहुत ज्यादा देखा था, तो मैंने बस इंस्टाग्राम का देख के मंगा लिया। ये मिनी शो का है एंड ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, उनके स्टोर से जाके नहीं लिया। एंड ओह माय गॉड, ये वाकई में अच्छा है। मतलब मैं पर्सनली परफ्यूम लवर नहीं हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, सोचो अगर आप परफ्यूम लवर हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा, वो भी इतना बजट में। इतना सस्ता परफ्यूम तो मुझे लग रहा है आता ही नहीं है, ये शुरुआती है, सस्तेपन की शुरुआती परफ्यूम है। सो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सस्ता मैंने इसलिए लिया बिकॉज आई एम नॉट अ परफ्यूम लवर, बट मैं चाहती थी कुछ ट्राई करना, सो दैट मैंने ये ऑर्डर कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास मिस क्लेयर का आई लैशेज ग्लू। सो मेरे आई लैश ग्लू खत्म हो गया था। आप लोग कई बार पूछते हो कि आप कौन सा यूज करते हो, तो मैं यूज करती हूँ ज्यादातर मिस क्लेयर का ही, लेकिन वो ब्लैक यूज करती हूँ या व्हाइट यूज करती हूँ। इस बार मैंने ये ट्रांसपेरेंट मंगाया है, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। ये ट्रांसपेरेंट है तो अच्छी चीजें दिखेगा नहीं, कई बार क्या होता है ना अगर ब्लैक यूज करो तो ब्लैक दिखता है थोड़ा, आई लाइनर लगता है मोटा हो गया। व्हाइट यूज करो तो ना आपका जो बैंड होता है उस पर कई बार व्हाइट ऊपर ऊपर से आने लगता है तो वो बहुत खराब लगता है। तो मैंने ना इस बार ट्रांसपेरेंट मंगा के देखा है और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है। बाकी लोगों ने बताया है कि अच्छा है, तो मैं ना कोई भी चीज मंगाने से पहले थोड़ा रिसर्च करती हूँ, उसके बाद ही मंगाती हूँ। जैसे आप मेरे वीडियोस देखते हो ऐसे मैं भी वीडियोस देख के ही चीजें ऑर्डर करती हूँ। नेक्स्ट वी हैव ओलेंस के लेंसेज वन डे किट। सो ये वन डे किट है, मतलब एक दिन लगाओगे उसके बाद फिर इसको फेंक दो, वो वाली चीज है। आपको चार शेड मिलते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मिलते हैं। देखो ये है, ये है, इस तरीके से मिलते हैं, सब पे उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये कोरल ग्रे है हमारे पास, हमारे पास स्कैंडी वन डे ग्रे, कोरल ग्रे, उसके बाद हमारे पास है हेजल, हमारे पास हेजल है, हमारे पास ग्रे है, हमारे पास कोरल ग्रे है, हमारे पास हेजल है, हमारे पास कोरल ब्राउन है। तो हमारे पास चार हैं, ये ओलेंस की किट में मिलते हैं। पहली बात तो ये एक अच्छा ब्रांड है, तो ऐसा रिस्क नहीं है कि आपकी आंखों में दिक्कत होगी। दूसरा ये वन डे किट है, तो एक बार यूज करके आप इसको फेंक सकते हो आप चाहो तो। वैसे तो फेंक ही देना चाहिए, लेंस के मामले में कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो आप ये डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेंसेज हैं। ओ लेंस के लेंसेज पर्सनली मुझे भी पसंद है, तो आप ले सकते हो आंख बंद करके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम जो कि मैंने मंगाए हैं, नायका की ये लैशेज, नायका की ये मेलोड्रामा लैशेज हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे ही मैं इसको लगाऊंगी आपको जरूर बताऊंगी कि ये वही वाली लैशेज हैं। बट सीरियसली गाइज, इनका वॉल्यूम बहुत अच्छा है एंड काफी ज्यादा नेचुरल लगती है, काफी ज्यादा नेचुरल लगती है, बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लगती। तो मैं लैशेज वही लगाना पसंद करती हूँ जो बहुत नेचुरल लुक देती हैं। बहुत आर्टिफिशियल वाली लैशेज जो होती है ना वो आपकी आंखों पे भारीपन देती हैं, मुझे भारीपन महसूस करना बिल्कुल नहीं पसंद है। सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, 200 रुपीज की है ओनली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम जो कि अगेन है एक परफ्यूम, ये है रामसन का परफ्यूम एंड इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी थी, तो मैंने इसको भी ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा जब परफ्यूम खरीद ही रहे तो एक साथ दो ले लेते, तो मैंने उसको अमेजोन से लिया। इसको मैंने नायका से लिया है एंड ये भी बहुत अच्छा है।
है वाकई में अच्छा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार जब मुझे परफ्यूम बिल्कुल नहीं पसंद है तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। एंड वैसे भी ना आपकी स्मेल अच्छी होना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी से मिलते हो। सो अभी तक तो मैं सिर्फ डीओ की प्रेमी थी बट अभी मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। जब आप किसी से मिलोगे तो कोई आपसे ज़रूर पूछेगा कोई ना कोई कि आपने क्या लगाया है, आप इतना सुंदर कैसे महक रहे हो। नेक्स्ट वी हैव के बाई कैटरीना का ये लिप पेंसिल। मुझे लिप पेंसिल लेना था तो सबसे ज़्यादा मैंने सर्च किया कि मैं कौन सा ले सकती हूँ, तब मुझे पता चला कि मुझे के बाई कैटरीना का लेना चाहिए। ये मेरी फर्स्ट परचेज है के बाई कैटरीना ब्रांड में क्योंकि मेरे पास उनका कुछ भी नहीं है। हाँ बट ये मैंने ब्राउन सा लिया है सो दैट मैं इसको ज़्यादा देर यूज़ कर सकूँ। मैं ना न्यूड लिपस्टिक ज़्यादा लगाती हूँ तो न्यूड के साथ ब्राउन ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने ब्राउन सा लिया है। नेक्स्ट मैंने इन्हीं का के वाई कैटरीना का ही लिप क्रेयॉन भी लिया है तो मैंने इसी लिप क्रेयॉन का मैचिंग का लिया है एंड इनका लिप क्रेयॉन कुछ इस तरीके से है। बस एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी कि ये जब मेरे पास आया था तो इसका जो आगे बना है ना जो आप लिप्स पे लगाते हो ये पूरा अंदर था, इसको निकालने में मुझे बहुत टाइम लग गया। एंड दूसरी बात इसके अंदर भी काफ़ी प्रोडक्ट है तो वो पता नहीं कैसे निकलेगा गॉड नोज, बट ये काफ़ी डैमेज स्थिति में मुझे रिसीव हुआ था तो मुझे एक ये चीज़ बहुत ख़राब लगी। अदर देन कलर इसका बहुत अच्छा है, बहुत क्रीमी है, बहुत ही प्यारा लगता है लेकिन बहुत डैमेज वाली स्थिति में रिसीव हुआ था तो मुझे ये चीज़ बड़ी नाराज़गी है क्योंकि पैसे तो मैंने पूरे दिए थे, पैसे मैंने तो ऐसा नहीं था कि मैंने पैसे कम दिए थे तो मुझे ये चीज़ बहुत खराब लगी। अदर देन दैट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड नए वीडियोज़ के साथ, क्रिएटिव चीज़ों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ। मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज़ वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करिए। थैंक यू।